जबकि यादवेंद्र सिंह लगातार पिछले दो चुनाव हार चुके थे, लगातार दो चुनाव हार गए थे। अगर जो चुनाव भी नहीं जीतते तो आज भी लगातार पांचवीं बार हो जाते हार। उमा भारती ने फार्म डाल के हमें हरा दो, हमने उन्हें नहीं हरा, हम तो आठवीं ना पहले टिकट ले आए। अगर भी ना आती तो आप हम चुनाव जीतते। कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे थे आदमी, हमने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी। शिखे की श्रीवास्तव की छवि गुंडा छवि हो गई, हमने सीओ को जो मारू और वो केस लगू तो उन्हें पूरे विधानसभा में जब छवि आ गई थी जी तो गुंडागर्दी कर रहे। अखंड दादा को कह कटो तो जी भी विधायक रहे। अखंड दादा की भी नेचर ऐसे ही थी, जनता के संग उखड़ जाती भी, जनता वोट नहीं दे रही मतलब उन्हें पसंद नहीं करती। जनता को लग रहा कि हर बेर भैया जैसी भाजपा नौ चेहरा दे रही, कांग्रेस को भी नौ चेहरा देना चाहिए। चूक भाई जातिगत समीकरण नहीं बैठा पाए, उनको परिणाम जनता ने दो, लेकिन एक ही बरादरी को कोऑपरेट नहीं करो। नहीं कोनो फर्क नहीं पड़े, मंत्री बनाओ सुबे बने मंत्री, गरीब आदमी नहीं मंत्री बने। कि आपकी उमा जी ने कही थी कि भाजपा में है हम जो है तुम्हें जो मदद करे तुम्हें जो समझ में आए, जरूरी नहीं कि तुम भाजपा को वोट दीजिए, तुम्हें जी को देने आए सो को दीजिए। पैसे में तुमने विधायक खरीदे और सरकार बना ली, जो पता आपने कितने पैसे। नमस्कार भैया, राम राम, हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। और बुंदेली वार्ता की टीम है टीकमगढ़ में और हाथ में एक है पर्चा, और यही पर्चा से हुई है चर्चा, और पर्चा से चर्चा इसे हुई है कैसे ई पर्चा में 2008 के कछु चुनावी रुझान है और 2008 को पर्चा इसे भी लें कि भाई साहब 2008 में विधानसभा को चुनाव लड़ चुके और इधर कांग्रेस ने दावेदारी जता रहा है, प्रबल दावेदारी है और बहुत कछु ऐसे समीकरण है जो भाई साहब बताएं और भाई साहब से हम लोग समझें और टीकमगढ़ की जनता भी समझे। सो भाई साहब 2008 में चुनाव लड़ो आपने, 2008 में सबसे बड़ी बात तो जा रही कि जितने से बीजेपी लगातार जीतत थी, बीजेपी को गढ़ को आते टीकमगढ़ बीजेपी जीतत रहती हर बार, कहूँ यादवेंद्र सिंह जी जीतत थे वो तो बीजेपी चौथे नंबर पर आई। सबसे पहले तो आशुतोष जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से विधानसभा की सारी जनता को राम राम। अब आपने जो पूछी कि टीकमगढ़ विधानसभा हार गई, ठीक है, जनता जनार्दन आए और उनको नहीं आ रही थी समझ में, हरा दो भाजपा को तो हार बहुत नहीं है, हार वो तो ठीक है चौथे नंबर पे भाजपा। हाँ चौथे पे ले गई फिर भाई, वो घमंड खो रावण को घमंड नहीं रहो तो भाजपा की घमंड खो भी उनने चूर चूर कर दो। और ई चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात, ई चुनावी मैदान में थी उमा भारती, कद्दावर फायर ब्रांड नेता। हाँ उमा भारती जी पूर्व चीफ मिनिस्टर थी, पूर्व चीफ मिनिस्टर रही और वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा से अखंड थे। यादवेंद्र सिंह पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, हम नए प्रत्याशी थे, हम बीएसपी से पहली बार विधानसभा को चुनाव कूदे जो टॉप फोर थे ई चुनाव में हो, वे पूर्व मंत्री हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और बीच में आप हो, तो अगर आप तीसरे नंबर पे आ गए तो इमें भी हम समझते के बहुत बढ़िया आपने खेल खेलो। नहीं आप नए योद्धा थे, नहीं जो सब जनता को आए, जनता ने की को पसंद करूँ की पे विश्वास करूँ उस हिसाब से जनता ने वोट दे, फिर भी हम पे उतने विश्वास जनता नहीं जिता पाई कि हमें जिता पावे, हम चुनाव हार गए। लेकिन उमा भारती जी चुनाव हार गए, यादवेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, जबकि यादवेंद्र सिंह लगातार पिछले दो चुनाव हार चुके थे, लगातार दो चुनाव हार गए थे। अगर जो चुनाव भी नहीं जीतते तो आज भी लगातार पांचवी बार हो जाती हार, पांचवी बार हार हो जाती लगातार। और ई चुनाव में उमा जी को हराबे में आपको अखंड दादा को महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं योगदान का है, हम तो अपने जीत भी चुनाव लड़ रहे थे, अब भी चुनाव हार गई। हम 2008 में जो चुनाव लड़ी थी 8 महीने पहले टिकट ले आई थी, ऐसा कही जाए कि उनने फार्म डाल के हमें चुनाव हरवा दो, हमने उन्हें कहा चुनाव हरवा, हम तो 8 महीने पहले टिकट ले आए। अगर भी ना आती तो आप हम चुनाव जीतते, यादवेंद्र दादा की होती सीधी टक्कर, हम डायरेक्ट फाइट थी, जनता कह रही थी कि ईबीर हाथी भोपाल पहुंचे, कह रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया भी लिखन लगी थी कि इस बार हाथी भोपाल पहुंच सकता है। अच्छा उस समय के जो भी थे, उमा भारती ने फार्म डाल के हमें हरा दो, हमने उन्हें नहीं हरा। नहीं उमा भारती जी भाजपा विचारधारा की, आप भी भाजपा विचारधारा के थे उस समय बसपा की टिकट मिलने के पहले तक। हाँ भाजपा विचारधारा जैसे ही बदली
भाजपा ने अपनी रीति नीति बदली, हमने पार्टी छोड़ दी। और बसपा से चुनाव के बाद फिर आप भाजपा में आए थे का? नहीं, हमें भाजपा ने नकारो ही नहीं है, हमें पार्टी से निष्कासन करो ही नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने चुनाव लड़ लो, एक मतलब अजीबोगरीब बात है। हाँ, जो पास कर लो थोड़ा आप। हाँ, ऐसे कि हम सदस्यता भाजपा की रही, हम चुनाव लड़ गए, उसके बाद हमें फिर जाएंगे तो हम रहे हैं, हमें पार्टी ने बाहर ही नहीं करो। वो तो फिर हमने 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले हमें नहीं लगो कि जा जो कत है वो कर रही भाजपा। अच्छा, 2018 में भाई साहब सत्ता में थी भाजपा, फिर कहाँ छोड़ दी थी आपने? भाई हमें नहीं लगो कि भाजपा जो कह रही जनता के साथ धोखा कर रही, हमें लगो कि जो कत है वो नहीं कर रही। हम भी वादे करके आ रहे, हम वोट दुआ रहे जैसे भाजपा के प्रत्याशी को, हम भी जनता में वादे करके आ रहे। तो वे वादे अगर हम पूरे नहीं कर पा रहे, सही है, तो हम ऐसी पार्टी में काय रहे? हमें नहीं लगो, नहीं समझ में आई पार्टी, हमने 2017 में पार्टी छोड़ दी। जबकि प्रदेश में 3 लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे थे आदमी, हमने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी थी। हाँ, उस समय सिंधिया जी कितने विधायक लेके और कितना दल बदल भाव 18 के बाद, हाँ। और आपने भाजपा ही छोड़ दी, तो जी उस समय के समीकरण रहती। अब भाई साहब अपन 2023 में बैठे, सो 23 की चर्चा हुई है, 8 की तो हो गई, 23 में क्या लग रहा हो भाई? 23 में आज, अच्छा एक और सवाल आप बताए, आपको भाजपा के संग बहुत गहरा नातो रहो, हालांकि खटास आ गई भाजपा, बेर बेर हम पूरे रिकॉर्ड देखे बैठे ही में, बहुत कम टिकट रिपीट करा, जो सिटिंग विधायक भी रहा तू कभी टिकट काट दे, चेहरा बदल पिछले से भाई, इसे कर दे बा कि जो उनको विधायक रहा, वो विधानसभा में इतने भ्रष्टाचार, इतने ऐसे काम कर दे कि भाजपा वारी कत के अब जो जीत नहीं पे, सो भी नौ चेहरा लिया, और नौ चेहरा जैसे ही ले आए, सो जनता विश्वास कर लेते कि चलो एक बार इखो देख लो। हाँ, चलो एक बार ना देख लो, अब एक बार इखो देख लो, सुबह फिर चुनाव। के श्रीवास्तव जी को टिकट कटवे के पीछे आपका कारण समझो? के श्रीवास्तव की छवि गुंडा छवि हो गई थी, उनने सीओ को जो मारू, और वो केस लगू, तो उमें पूरे विधानसभा में जब छवि आ गई थी कि जी तो गुंडागर्दी कर रहे, तो बस छवि खराब भई, तो पार्टी को लगू कि ई पे इन्हें वोट नहीं मिल पे, पार्टी ने टिकट बदल दी। अखंड दादा को कहे कटो तो जी भी विधायक रहे, दो अखंड दादा की भी नेचर ऐसे ही थी, जनता के संग उखड़ जाती भी, जनता ही पे को जनता जैसे बना रही तुम्हें वोट दे रही, तो बातों आए कि हम आओ काम कराओ, जो अब तो मंत्री हो गए तो खुदा तो हो नहीं है, आओ तो मनुष्य ही, जनता ने तुम्हें बनाओ है, वो जनता से तुम मंत्री बने होगी तो तुम्हें सुनने आए, और तुम वो जनता से आने लगी, सुबह छवि खराब भई, सो सीधे अगले चुनाव में 11,000 वोट मिले थे 60,000 से। 2008 में आप सब लोगों ने घेर के, आपने अखंड दादा ने घेर के, उमा भारती केला ने ऐसे समीकरण खड़े कर दिया कि भी खुद चुनाव हार गई, यादविंद जी चुनाव जीत गए, हम लेकिन इनके पहले दो चुनाव हारे और 2008 के बाद दो चुनाव भी हारे लगातार, का कारण है भी लगातार चुनाव हार रहे जबकि बहुत सारे चुनाव जीते भी हैं? कारण देखो, जनता पसंद नहीं कर रही, जो सीधो समझ में आ रहा हो, जनता वोट नहीं दे रही मतलब उन्हें पसंद नहीं कर, जनता को लग रहा हो कि हर बेर भैया जैसी भाजपा नौ चेहरा दे रही, कांग्रेस को भी नौ चेहरा देना चाहिए, अब स्वाद बदलन चाहू सब जनता, स्वाद बदलन चाहू ऐसे ही हर बेर भाजपा बदल दे, सुबह स्वाद को चखत और वोट दे के उनको जिता दी। वर्तमान में आप कांग्रेस में हो, तो कांग्रेस की बात भी कर लेते ना, नेवाड़ी टीकमगढ़ की 5 सीटन में 3 सीटन पे ठाकुर समाज से कैंडिडेट हैं भाई साहब, बाकी लोगों को मौका मिले, एक तो ऐसी ही है, एक तो बिल्कुल आरक्षित है सीट जता रहा, 4 सीटें हैं जिन पे ईवीर पूरो पूरो समीकरण बैठा रहो जे, हर जाति को कोऑपरेट करने को प्रयास करो जे, और फिर सर्वे भी करा रहे हमारे राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो आधार खो भी आधार बना है, और उखो देखते हुए जाति समीकरण भी बिठा रहे हैं, ईवीर कांग्रेस की सरकार बने सो पूरे समीकरण बिठा रहे जे कि हमें हर हालत में सरकार बनानी, आपको अगर टिकट दो कांग्रेस ने हो तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहे जनता के बीच में, का क्या हो जाओ सो? हम जनता के बीच में जाके कि हम सहज आपको उपलब्ध रहे, जैसे किसान आए हम, और हमें पता है कि किसान को दर्द का हो, उनको का
सुविधाएं चाहने आओ थी, का मदद चाहने आओ थी। भी हम बताएं कि भैया जो भी तुम्हारी मदद है, चाहे तहसील संबंधित हो और चाहे अस्पताल संबंधित हो और कोतवाली में आपको परेशान करे बीमारी, तो इनमें हम हमेशा आपके संग खड़े हुए और आपकी जो दैनिकचर्या की सुविधाएं हैं वे तो सरकार जो दे रही है उनको आपको हम फ्री में दिलाएं, जो हम वचन दें। एक तो जो वचन होगा। अब मुख्य मुद्दा आपका समझ रहा है टीकमगढ़ क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले देखो दो सबसे मुद्दा है, दो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, एक शिक्षा और एक पानी, जनता को आसानी से उपलब्ध हो पानी। पेयजल की समस्या हमारे बुंदेलखंड में बहुत तीज है, ठीक है, तो एक प्राथमिकता जा रही है कि घर घर में पानी पहुंचे। और दूसरी शिक्षा की, तो हमारे कमलनाथ जी को कहवो है कि हम शिक्षा को ऐसे स्वरूप ले आए कि हर गरीब आदमी को पढ़वे में आसानी हो जाए, ठीक, और शिक्षा जो स्कूलन में शिक्षा में सुधार होने हो जाए वे हम सुधार करें, जब सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे। फिर प्राथमिकता रहे कि जनता को इलाज फ्री में हो गए, तो जनता को तीन ही सुविधाएं चाहने, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा और पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अबे भाजपा की हर घर नल योजना चल रही, तो ऐसी चल रही कह रहे पूरी रोडें खोद के धर दी। अब कब करने हैं तुम्हें, कब नहीं करने, जनता को तुम 20 साल शासन हो गए, आज तुम कह रहे कि हम पानी दें, 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपको जब सरकार बनी थी सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं जी पे आप गरीब आदमी भूखन मर रहो, प्यासन मर रहो, उगे लाजें आपने सुविधाएं मिलाई नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि अब हम पानी दें, तो को विश्वास कर ले। बहुत सारी भाजपा चुनाव के नज़दीक आता योजनाएं चला रही हूँ, आप कैसे देख रहे हैं? जो लाड़ली बहना योजना की कल ही उनने 1,000 रुपया देते, अब 1,250 देने लगे, ईको कितना असर पड़े? आप 1,500 की बात कर रहे हैं, असर नहीं पड़े, जनता को सब समझ में आ रही कि चुनाव आ गए तुम देने लगी, जो प्रलोभन हमें देखे तुम वोट चाहो, हम प्रलोभन जो दे रहे तुम राशि दे रहे हम लाइन ली वोट शो हमें अब बदल ले हैं, जनता के मन में है। आप कह रहे कि गैस सिलेंडर जो है वो हम 500 में दें, उन्हें गैस सिलेंडर भी सावन के महीना के लाने 450 को कर दो, तो उनने तो कर दो अब, अब इसे कर दो कि उन्हें वोट चाहने, और आगे उन पर कब विश्वास करो कि वोटन के टाइम पे दे दो, आगे नहीं दें भी बंद कर दें। योजना इसे कि वे तो जो करो ही है, हमें से 28,000 योजनाएं ऐसी हैं कि जो शिवराज जी ने कही और आज तक धरातल पे नहीं आई। और इनने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घोषणा करी थी कि हम फ्री में दें, आप गाँव में किसी एक आदमी बता दो कि जी को फ्री में मिलो, पैसा लगे, सबको पैसा लगे, एक भी सिलेंडर फ्री में नहीं मिला। वे पोस्टर लगा रहे जगह जगह, कुछ महीना पहले आए थे पोस्टर सामने, कमलनाथ को करप्शन नाथ बता रहे, वे 50% कमीशन वाली सरकार बता रहे, खुद की सरकार है उनकी 50% वाली। कमलनाथ जी के समय तो 15 महीना में जो कमलनाथ जी ने कही वो करके दिखाओ। कमलनाथ जी ने कही कि हम किसानन की कर्जा माफ, बहुत ऐतिहासिक कदम हो तो वो 27 लाख किसानन को कर्जा माफ होगा, 28 लाख किसान रह गए थे, एक बेर में एक मिनट में नहीं होत, टाइम लगने तू, और 15 महीना में इनने सरकार छुड़ा ली। अरे इनकी तो जा देखो, आपके जी बिना सरकार की रह नहीं सकत, इन्हें सत्ता को ऐसो चस्का चढ़ गो कि इनने विधायकन की खरीद फरोख्त कर दी थी। कहा आए जो प्रजातंत्र आएगा, तुमने तो मजाक बना के रख दो, पैसे में तुमने विधायक खरीदे और सरकार बना ली, जो पता आपको कितने पैसे में नहीं, तो पूरे जग में पूरे प्रदेश में हल्ला है। अब हमें इसे नहीं पता कि हम कौन विधायक बतावे कि हमें भैया 35 करोड़ मिले कि 50 करोड़ मिले, हल्ला सो है कि 35 करोड़ में कौन को 50 करोड़ मिले विधायक खरीदे, तो तुम जनता ने जब तुम्हें नकार दो, जब कांग्रेस को मौका दो, तो तुम इतने सत्ता के लोलुप हो गए कि तुम 15 महीना बाद तुमने खरीद फरोख्त करके और बिना सरकार की रह नहीं पा रहे तुम। अच्छा भाई साहब एक चीज़ बताओ, 2018 में जनता ने वोट दाओ कांग्रेस की सरकार बनाई, माने बहुत बिल्कुल नज़दीक आ गए थे कुछ लोगों को और शामिल करके बनी अन्य विधायकों को, आपने सरकार खड़ी करी अपनी, लेकिन निवाड़ी टीकमगढ़ की 5 सीटों पर भाजपा, वो आपने अभी एक बात एक सीट छोड़ के एक बात कही थी आपने, टीकमगढ़ पिछली बार चूक भई जातिगत समीकरण नहीं बैठा पाए, उनको परिणाम जनता ने दो, भाई जनता भी चाहू कि आप ऐसा करो कि सबको बराबर को हिस्सेदारी करो,
को उतेक सीटन में हो पा रहा हूँ, कोऑपरेट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन एक ही बरादरी को कोऑपरेट नहीं करो, या जनता ही की परिणाम स्वरूप हार गए थे हमारे पाँच ही सीटें। अगर उस समय जातिगत संतुलन बैठा हो तो हम जब भी हम पूरी ताकत से पाँच ही सीटें जीतते। और अब इबेर देख लियो आप के कमलनाथ जी को क्या वो है कि हमारे जगह संतुलन में लाएं और संतुलन बने हो, हम पाँच ही सीटें जीते है ई बार। हाँ, बहुत मेहनत करने पड़े कांग्रेस को, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे अभी भी क्षेत्र में गाँव गाँव में। हम तो छह जने मिलके यात्रा निकाली, एक महीना लगातार यात्रा निकली, अब हमारा समापन भी नहीं बहुत तो जाते हैं, एक आध दो दिन रेस्ट हो जाते हैं, बाकी हम उन्हें लगातार कमलनाथ जी के संदेश जो हैं भी जनता तक पहुंचा रहे, और जनता में भरपूर हम उनको समर्थन मिल लो, कांग्रेस को मन बना लो जनता ने, और जनता को कहवो भी है कि अब 20 साल हो गई, अब हमें बदलने हैं, अब ऐसे ये तो सहकर हो गए जी, कछु कहते हो कछु करा थे, अच्छा अब जनता के पक्ष में जी काम नहीं कर रहे। अच्छा, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अब राहुल लोधी जी को वो बनाओ, और टीकमगढ़ में लोधी बहुत ज़्यादा हैं सुना, पूरे 3 ही सीटन पे लगभग हैं, इसे कितों का असर पड़वे जा रहा है अन्य समाजन पे या लोधी समाज पे, मंत्री बनाए से आपको क्या लग रहा हो कितना फर्क पड़ा? नहीं नहीं, कौन फर्क नहीं पड़े, मंत्री बनाओ सुबे बने मंत्री, गरीब आदमी नो ही मंत्री बने, भाई गरीब आदमी को तो बे की बे ही है। अब आपने उन्हें बना दो मंत्री, ठीक है, आप सोच रहे कि हम जातिगत समीकरण बिठा लें, थोड़ा बहुत असर आए, लेकिन इतने का असर इसे नहीं आए, अब कि अब जनता आपसे नाराज हो चुकी है। और उमा जी एक स्टेटमेंट भी दे चुकी थी कि हम भाजपा में हैं, हम लोधी आए तो क्या हो गई, तुम्हें जितने स्वतंत्र हो तुम लोधी आओ, तुम्हें जितने वोट देने से दी, जो स्टेटमेंट भी जनता याद रखे, याद रहे, रे जनता को याद रहे, आपने कही कि जितने वोट देने आए सो स्वतंत्र हो, हम आए कहे पे नहीं, हम भाजपा में सो हम रहे आए, हम तुम जितने जानो सो जो समझ में आए। अच्छा, आपको कल लगा कि उमा जी लगातार सरकार पे दबाव बनाती हैं और उन्हें मैनेज कर भी किला राहुल लोधी को मंत्री बनाओ? अब देखो जो मैटर भाजपा को आए भी क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो भाजपा की, अभी हाल ही का आपने बयान याद दिलाओ, इसे पूछ रहे बयान इसे याद दिलाओ कि उन्होंने कही थी हम जनता में, बयान से प्रेशर तो पार्टी पे बनत हुई है ना, बनत हुई है, बनाती हैं भी, लेकिन हम तो जनता ना, हम तो बयान इसे याद दिलाओ को हमें तो जनता में कहने जाके कि आपकी उमा जी ने कही थी कि भाजपा में है हम जो है, तुम्हें जो मदद करे, तुम्हें जो समझ में आए, जरूरी नहीं है कि तुम भाजपा को वोट दीजिए, तुम्हें जी को देने आए सुख को दीजिए, स्वतंत्र है लोधी समाज, तो हम जनता में याद दुआ सबको, उनको वो क्लिप चलाए ये देखो क्या कही थी। इबार का लग रहा हो टीकमगढ़ से आपको? इबेर सबसे अच्छो समीकरण हम आओ बैठ रहा हो, कैसे बैठ रहा हो? अच्छा, जनता जा और पूछे कि आपको कैसे बैठ रहा हो? हम इसे बैठ रहा है कि हम जनता में 15 साल से लगातार जनता की संगे हैं, जनता के सुख दुख में कामे हम, और जनता हमें पसंद कर रही। 2008 से आप हम लगातार फील्ड में हैं, 15 साल से लगातार फील्ड में हैं, और हम जनता के संगे उनके काम में जाते, अगर कुछ बीमारी हो जाए तो अस्पताल पहुँचत, देख भी जात, पूछत हालचाल पूछत, कि तुम तहसील में कौन काम भय तो होते मदद कर भी पहुँच जात, कोतवाली की फोन लगावे सो कोतवाली पहुँच जात, कि कू के संगे गलत हो रहा कछु हो रहा, उनकी सुख दुख में हम उनके दुख में हमेशा घर जा, सुख में जाए नहीं जाए उनके दुख में हम बैठ भी जाते हैं, 15 साल से हम लगातार संपर्क, 12 से 15 के बीच में कांग्रेस की एक सूची जारी होने वाली है 109 प्रत्याशियों की, ई के बारे में हम इसे नहीं कह सकते कि जो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को काम है कब सूची जारी हो रही, की क्यों टिकट दे रही, तो ठीक है हमें मान लो नहीं आ रही उनकी समझ में, उस सूची में अगर आपको नाम न करे आओ तो आप एकदम तैयार हो चुनाव? बिल्कुल फिट हैं, और फील्ड में हम लगातार हैं ही, हम तो मेहनत करे वाले आदमी हैं, हम तो खेती वाले आदमी हैं, लगातार मेहनत करत अब कर ही रहे, सो हम फील्ड में नहीं रहने। एक और चर्चा है बा और बताएं जाओ आप, बताओ आपकी पार्टी से जुड़ी है, भाजपा के एक प्रबल दावेदार आपकी पार्टी के संपर्क में है? अब भी खुद ही हल्ला उड़ा रहे, अब ऐसो तो हमें नहीं सुनबे में आओ, वे खुद ही खुद स्टेटमेंट दे दी थी कि हम भाजपा नहीं दे सू कांग्रेस से ले आए। अच्छा, तो कांग्रेस को नहीं ऐसी आए कि उन प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस नो एक से एक प्रत्याशी है, अब भी कह रहे तो अब, लेकिन भी अगर कांग्रेस से ले आए तो उनको काम करें, हमें तो कांग्रेस की सिपाही आए, हम उन कांग्रेस को काम करने, हमें तो जैसे बने सुनते की सीट जिताऊ नहीं, इसे कौन मतलब नहीं है कि कुआरो, हमें तो अपना पंजा देखना है। हाँ, पंजा देखना।
बढ़िया है। और कछु करना हो जनता से टीकमगढ़ की? बस जनता कछु चीजें रह गई हैं। जनता से हमारा यही निवेदन है कि ई बीर बदलाव ले आओ और देखो आप 20 साल से लगातार सबको देख रहे, भाजपा को देख रहे 20 साल से। ई बीर आप जैसो पिछली बीर आपने 2018 में कांग्रेस पे विश्वास करो तू, ऐसो फिर से करो और ई बीर ऐसो नहीं हुज्जे कि हमारे विधायक बिके। इसे कि अब कमलनाथ जी छन्ना लगा के टिकट दे रहे, छन्ना लग रहा हो? हाँ, ऐसे विधायकों को टिकट कहूँ से कहूँ तक नहीं मिले। 37 विधायक के कटने टिकट कटे, छन्ना पहली लिस्ट में कट सकत हमें नहीं वो कह रहे हम भाई, वो तो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सब देख रहे और ऐसी टिकट अब नहीं मिल पे। हम जनता को जो वचन दे रहे कि जो पैसे में बिक के वो भाजपा के संगे चले जाए। ई बीर आप फिर विश्वास करो और आपको देखो 5 साल, आपने 20 साल से भाजपा को देख लो, एक बीर फिर से आप कांग्रेस पे विश्वास करो और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार ले आओ और कमलनाथ जी को प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाओ। जाते जाते टाइम एक और सवाल आप बताएं जाओ, एक और सवाल का जवाब बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की तो क्या स्थिति रहे? समाजवादी पार्टी को कोनो स्थिति नहीं है, प्रदेश में नहीं है, इतने तो ठीक है, प्रदेश में नहीं है। समाजवादी पार्टी को हो 10 अच्छो बड़ो प्रत्याशी खड़ो हो जाए तो 8-10 हज़ार वोट मिल जाते, 8-10 हज़ार मिल जाए। हो नहीं तो 400-500 वोट को रिकॉर्ड है कि 400-500 वोट भी मिलत, ऐसो कछु नहीं है। और अब ई बेर तो ऐसो है बदलाव की लहर है कि जनता मन ही बना चुकी कि हमें कांग्रेस को मन जिताएंगे। ठीक है, एक बेर आपकी पार्टी के प्रबल दावेदार यादविंद सिंह दादा के नाम से मशहूर है, वे भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके और करीब 46 हज़ार वोट पा चुके, दूसरे नंबर पे अखंड दादा के मुकाबले चुनाव लड़ो तो 48,412 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी यादविंद सिंह जी को मिले थे 46,283 वोट। इस बार अगर फिर ऐसे कछु समीकरण बने कि आपकी पार्टी के कौन नेता सपा से टिकट ले आए तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहे? कांग्रेस फिर तीसरे चौथे पे दिखाई दे? अब नहीं, अब स्थिति सापा की है ही नहीं है। सापा जी को उत्तर प्रदेश गढ़ हतु उतई अस्तित्व नहीं बचू, इतने बा स्थिति अब रह नहीं गई, इतने खत्म है। जब जी को गढ़ जिते प्रदेश में सरकार रहती उतई उनको कछु नहीं बचू, तो मध्य प्रदेश में तो वैसे ही कछु नहीं हतु, अब तो बिल्कुल ही खत्म है, कुछ नहीं हो सकत, हमारी प्रत्याशी ही जीते। 1985 से लेके 2003 तक यादविंद जी कांग्रेस के हते और वे वर्तमान में भी कांग्रेस ही के हैं, सबको पता है कांग्रेस ही से दावेदारी कर रहे हैं। 2003 में ऐसे का कारण हते जिसे इन्हें समाजवादी पार्टी को दामन थामने पड़ो? अब कांग्रेस ने टिकट नहीं दो, कांग्रेस ने टिकट नहीं दो, सोने थाम लो उन्हें तो चुनाव लड़ने, अब चुनाव लड़ने थे तो फिर दूसरी पार्टी में जाने ही आए। जैसे हम BSP से लड़ गए थे, भाजपा ने हमें नहीं दो टिकट, हम लड़ गए थे, तो ऐसे ही उनको चुनाव लड़ने तो सुबह तो कई बार ऐसे ही कुछ समीकरण बने तो आपको बा उनसे पूछने आए आपको भी उनके मन में का है कि भाजपा कांग्रेस टिकट नहीं दे तो कांग्रेस को जिताऊने के स्वयं चुनाव लड़ने, वो उनको विवेक है, उनके ऊपर हम कछु नहीं कह सकते। और आपको विवेक जो है कि हमें टिकट नहीं मिले तो हम कांग्रेस के कांग्रेस के संगे हैं, कांग्रेस की सिपाही हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने से इतने जो प्रत्याशी रहे वो हम प्रत्याशी रहे। जी हते अनिल बड़कुल साहब, इनसे चर्चा करी, कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं टीकमगढ़ क्षेत्र से, सो इनसे भी मुलाकात करने थी। कुछ दिन पहले हमने आपको अजय यादव जी से भी मुखातिब कराओ तो वे भी पूर्व विधायक हैं, इतने से टीकमगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और भी तमाम लोग हैं कांग्रेस से दावेदारी कर रहे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग दावेदारी कर रहे हैं पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी हों, चाहे वर्तमान विधायक राकेश गिरी साहब हों, और जो अभय कांग्रेस के प्रबल दावेदारी पूर्व मंत्री यादविंद सिंह जी से भी आपको मुखातिब कराओ, जो लोग बचे हैं धीरे धीरे उनको समय लेके उनसे भी आपको मुखातिब कराएं और बताएं कि क्या हालचाल हैं उनकी नज़र में, का टीकमगढ़ के समीकरण हैं, का मध्य प्रदेश के समीकरण हैं। सो लगातार आपको बुंदेलखंड की अलग अलग विधानसभा सीट पर जाके अलग अलग दावेदारों से मिला के आपको बताएं, उनसे परिचय कराएं, उनसे मिलाएं, उनकी क्या भावनाएं हैं, का वो क्या विचार है, सब आपको बताने को प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद।